कि पीप सूखा नहीं बनेगा, फिर ये लंबा वाला ईची बनेगा। ये क्या है? उसको ईची बनाता है, ईची बना ईची में डालेगा, इसका डालने का बाद एक महीना का बाद निकलेगा ये दूसरा प्रकार का ईची बन जाएगा। तो गाइस, जो आप कभी शायद नहीं देखा है तो मेरा ये ब्लॉग का द्वारा आप देख लीजिएगा, तो ये मेरा लिए भी पहला एक्सपीरियंस है, जैसे कि मैं आपको बोल चुका हूँ। गुड इवनिंग गाइस, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में। तो गाइस, मैं आज यहाँ आया हूँ एक अरुणाचल प्रदेश के छोटा सा गांव में यहाँ, और एक भैया का घर आया हूँ यहाँ, जो है वो जो बेम्बू सूट को एक ये बनाया जा रहा है। बेम्बू सूट हम लोग का जो यहाँ अरुणाचल का जो लोकल भाषा में, हमारा नसीब भाषा में उसको इक्यूंग बोलता है, और वो इक्यूंग को इक्यूंग बनाता है, साथ में यूब बनाता है। यूब मतलब जो ड्राई पॉम वाला को यूब बोलेगा, और इक्यूंग मतलब जो ड्राई नहीं करता है, उसको सुखाया नहीं जाता, उसको इक्यूंग बोलता है। और साथ में ईची बोलता है, ईची मतलब उसको जो लंबा लंबा बिना कट के जब लगाया जाता है, उसको बनाया जाता है, उसको ईची बोलता है। तो उसको किस प्रकार बनाया जाता है मैं दिखाता हूँ। और ये जो है अरुणाचल प्रदेश का, शायद अरुणाचल प्रदेश ही नहीं है, शायद नॉर्थ ईस्ट में जो जितना भी जो ट्राइबल लोग है, ये चीज़ को खाया जाता है, और उसको बहुत एक स्वादिष्ट एक इंग्रेडिएंट माना जाता है। जनरली जो बॉयल पत्ता जब हम बनाएंगे और मीट मछली जब पकाएंगे तो उसमें डाला जाता है उसको एक इंग्रेडिएंट के रूप में। उससे जो है खट्टापन आता है, उससे जो खाने में सब्ज़ी जो है बहुत टेस्टी होता है। तो गाइस, मैं दिखाता हूँ और जो है उसको कैसे तैयार किया जाता है। यहाँ एक भैया के घर में आया हूँ आपको दिखाने के लिए, तो गाइस बने रहे मेरा साथ। तो गाइस, ये देखो, ये है बेम्बू सूट। तो ये बेम्बू सूट जो है बेम्बू से निकलता है। तो ये देखिए, ये बेम्बू इस प्रकार से साफ किया जाता है। ये देखो, इस प्रकार से इसको चॉपिंग किया जाता है छोटा छोटा। तो ये जनरली क्या के लिए भी होगा मदन? ये क्या के लिए? हम लोग उड़ीसा में बोलते हैं इकुंग, इकुंग बनाने के लिए। फिर ये भी होगा, फिर हम लोग उधर बनाएगा, बनाने का बाद एक महीना का बाद में वो फिर निकलेगा, निकल करके धूप में सुखा। इस प्रकार का होता है, फिर उसको आप लोग उसको ईच बनाएगा ऐसा करके। ये ईच, इसका ये क्या नाम है? इसको ईच लोकल में ईची बोलते हैं, इसी में ईच बनाएगा, उसको उसका अंदर में घुसेगा। माने जब ईखू के लिए बनाएगा, उसी अंदर में ही डालेगा साथ में। अरे ऐसा होता है क्या? और इसका बाद एक महीना के बाद निकलेगा, उसको फिर सुकान भी बनाएगा, फिर धूप में। ओके, तो गाइस ये रखेगा। ये देखिए, ये जो है ऐसी हो गया रानी की ईची। ये तीन चार प्रकार में बनाया जाता है ये ईच के लिए। तो इसको भी अंदर डाल दिया जाएगा, अभी मैं दिखाऊंगा आगे। तो ये भी अंदर डालेंगे तो ये भी खट्टा हो जाएगा कुछ महीना बाद। एक महीना, कितना महीना रखता है जनरली? एक महीना। तो एक महीना में ये जो खट्टा आ जाता है, टेंगा जो होता है, एक महीना में टेंगा हो जाता है। इसका बाद फिर निकल करके धूप में सुखाएगा। धूप में सुखाने के बाद ये चौथा चौथा जो कटने वाला ये ईप बनेगा, ईप सुखन ईप बनेगा, फिर ये लंबा वाला ईची बनेगा। ये ईची, तो ये मीट का पास बहुत टेस्टी होता है, मीट का साथ। तो गाइस, जैसे कि अभी ये भैया ने बताया कि यह जो बेम्बू सूट से तीन चार टाइप का बनाया जाता है। एक जो है बेम्बू जो ये होगा उसको नहीं सुखाएगा, तो ये चॉपिंग करके उसको अभी यहाँ में डाल दिया जाएगा। यहाँ में कुछ बनाया है, आप ये दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? यहाँ में जो है ऐसे, ये देखो थोड़ा आप दिखाएगा। तो यहाँ में जिस प्रकार से डाल के रखा और डालेंगे, मैं कहूँ ऑफ बोलता है, कहूँ पता बोला जाता है,
उसका उसको ऐसा बंद करके इसका बाद फिर डालेगा, डाल के फिर इकुम को डालेगा। ये ऑलरेडी कुछ डाला हुआ है ना? हाँ, डाल चुका है, डाला है। ओके, और कुछ डालेंगे अभी। तो गाइस आप देखिए, ये इस प्रकार से बनाया जाता है। देखिए ये देखो आप, इस प्रकार से ये बना के रखता है। अब तो अभी देखिए, तो ये जो है देखो आप, ऑलरेडी कुछ डाला हुआ है और अभी कुछ डालेंगे। ये देख सकता है, ये देखो, ये जो है बेम्बू से मिला है, बेम्बू सूत से जो मिला है, पूरे उदल दो पाए हैं, तो इसको भी खाया जाता है हमारा यहाँ जो है। गाइस आप कमेंट करके बता सकते हैं आप लोग भी इसको खाता है कि नहीं खाता है। तो ये जो है खाने में बहुत उसका जो तेल ज़्यादा होता है बोला है, टेस्टी ज़्यादा है, इसको भी खाया जाता है। ये जो है बेम्बू जो है अभी जो नया नया जो ऐसे निकलने वाला को उसको कट के खाता है। ये देखिए, तो गाइस यहाँ बहुत अभी कट के रखा है और इसको अभी वहाँ फिर से डालेंगे। ये देखो, ये देखो इस प्रकार से। ये क्या है? उसको इची बनाता है, इची बने। इची में डालेगा, इसका डालने का बाद एक महीना का बाद निकलेगा ये, दूसरा प्रकार का इची बन जाएगा। ओके ओके ओके, अच्छा अच्छा। तो ये भी साथ में जिस दिन निकलेगा वो भी तेंगा होके निकलेगा, ये खट्टा होके। तो ये भी जो है एक महीना का बाद, एक महीना का बाद जो है थोड़ा खट्टा हो जाएगा। तो उसको भी मीट का साथ जो है हमारा यहाँ ट्रैवल जो है बॉयल में यूज़ किया जाता है। जब मीट मछली पकड़ाएंगे तो उस समय इसको छिलके लगाया जाता है, तो ये भी बहुत स्वादिष्ट होता है इसको लगाने से। तो गाइस ये देखिए, ये मेरा भी पहला एक्सपीरियंस है। तो उसके बाद फिर ये डालेंगे अभी, फिर देखिए, फिर उसका ऊपर ये। उसको फिर फ्लेन करेंगे। इसको डालेगा, स्टेप स्टेप डालता है। अच्छा, इकुंग डालेगा, इसके बाद फिर हिचको डालेगा, इसके बाद लास्ट में पत्थर उतार के पूरा चपटा होने देगा। ओके, सो गाइस जो आप कभी शायद नहीं देखा है तो मेरा ये ब्लॉग का द्वारा आप देख लीजिएगा। तो ये मेरा लिए भी पहला एक्सपीरियंस है, जैसे कि मैं आपको बोल चुका हूँ। तो आई नेवर सीन सच टाइप ऑफ यू नो थिंग्स बिफोर, मैं भी कभी नहीं देखा हूँ। तो ये जो है जहाँ पे घर है ये भैया का, तो बहुत ही सुंदर लोकेशन में है। देखिए नीचे में नदी है, बड़ा नदी, ये पारे रिवर है, और उस तरफ जो हाईवे है, हाईवे वहाँ पर रह गया है। और ये देखिए यहाँ पर, ये देखो यहाँ जो है हमारा नसीब में इसको इकुंग बोलता है। और ये इकुंग मतलब जो ये वाला पार्ट को जब ड्राई नहीं करेगा इसको इकुंग बोलेगा। अरे और जो इसको और ड्राई होने का बाद उसको जो है यूप बोला जाता है। यूप मतलब ड्राई बेम्बू शूट। तो ये जब तक यहाँ नहीं भरेंगे तब तक डालेंगे। तना चुपू तरा, पापा का नाम क्या है? ओके, मामी का नाम? ओके, और नाम बताओ, क्या नाम है? नाम बताओ, क्या नाम है? पुमिन, पुमिन, हाँ, तना पुमिन। ओके, तना पुमिन ना। तो गाइस देखिए इस प्रकार से हमारा यहाँ का जो है अरुणाचल में जो बेम्बू होता है उसको इस प्रकार से बेम्बू सूट ये बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है। ये देखो पूरा इसको चॉपिंग करता है।
तो गाइस देखो ऑलमोस्ट भर्ती होने जा रहा है, देखो ऑलमोस्ट भर्ती होने जा रहा है। तो अभी उसको पत्ते से पूरा ढकेंगे यहाँ, और उसके ऊपर में भी पत्थर रखेंगे, तो मैं आपको दिखाऊंगा आगे। ये ऑलमोस्ट फिनिशिंग टच जा रहा है। तो इसके बाद ये हम लोग इसी में इगिन बोलता है, ये हम लोग लास्ट डाला जाएगा अभी, फिर पत्ता से बंद करेगा इसका ऊपर में, फिर टिक से पत्थर लगाएगा बोल्डर। तो गाइस ये फाइनल टच दे रहा है, अभी इसको पूरा अच्छा से ढकेंगे। तो इसको बनाने के लिए काफ़ी मेहनत है। सबसे पहले तो आपको जो बेम्बू सूट है जो उसको जंगल से लाना है, आपका फेर उधर है देखिए सामने में, वहाँ किस प्रकार से बेम्बू सूट है मैं दिखाता हूँ सामने से आप। तो गाइस ये देखो यहाँ ये भैया का घर, सामने में ही बेम्बू है, और ये बेम्बू सूट को मैं दिखाता हूँ। देखो ये है बेम्बू सूट, देखो जो नया जो बेम्बू निकला है इसको बेम्बू सूट कहा जाता है। देखिए ये है ये बेम्बू सूट, देखो ये बेम्बू सूट जो है यहाँ है। गाइस ये भैया जो है अभी पैनल टच, तो मैं आपको दिखाता हूँ आखिरी किस प्रकार से पत्थर डाला जाता है ऊपर में। तो ये अभी मतलब पत्थर ऊपर डालने का क्या है कारण? ये ज़्यादा बारी डालेगा ना, इतना ये चिपते जाएगा, इसका बाद नीचे से पानी निकल जाएगा, अच्छा सूखते जाएगा, फिर पानी नीचे से निकलते जाएगा। जितना भारी पत्थर डालेगा इतना ही वो जो इंची वाला चपटा हो जाता है। ओके, जितना हो सके तो पत्थर डालना है ऊपर में, जितना हो सके जो लोड जो है प्रेशर के लिए, उसे जितना पत्थर डालेंगे ऊपर में प्रेशर पड़ेंगे तो पानी जो है नीचे से निकल जाएगा, वहाँ से अंदर ज़मीन अंदर चला जाएगा, तब जल्दी सूख जाता है। तो गाइस मैंने ये ब्लॉग में आपको दिखाने के लिए कोशिश किया है जो बेम्बू सूट जो है इस प्रकार बनाया जाता है। बेम्बू सूट का जो है यूप और क्यों बोलता है, तो ये शायद हमारा नॉर्थ ईस्ट में हर जगह यूज़ करता होगा, नागालैंड बोलो मणिपुर खाया जाता है, तो बाकी रेस्ट ऑफ द इंडिया में खाता है कि नहीं, उधर मिलता है कि नहीं, मुझे आइडिया नहीं है। अगर मिलता होगा तो आप लोग काइंडली कमेंट करके बता सकता है। तो अगर ये ब्लॉग आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकता है। और मैं एक चीज़ लास्ट भैया से पूछना चाहूँगा, ये जो है उसको अभी ड्राई निकालने के लिए कब तक उसको ये करेगा, खोलेगा उसको? अभी एटलीस्ट 25 डेज 30 डेज 25 या 30 डेज तक निकलेगा, फिर निकलेगा, तब धूप में सुखाया जाएगा। हाँ धूप में सुखाया जाएगा। ओके, तो गाइस जैसे कि अभी बताया भैया ने, तो उसको अभी कम से कम एक महीना यानी कि 25-30 डेज बैठने दे के उसके बाद निकाला जाएगा, और उसको जो है धूप में सुखाएगा, और हर पार्ट को हर चीज़ को धूप में नहीं सुखाएगा, जिसको ड्राई बेम्बू सूट बनाएगा उसी को ही यह करेगा, और कुछ पार्ट को ऐसे ही रखेगा जो क्यों होता है उसको ऐसे रखेगा, और जिसको ड्राई यूप बनाना है, यूप बोल के हमारा यहाँ लैंग्वेज है निसी में, तो उस यूप को जो है उसको धूप में सुखाया जाएगा, अच्छा से ड्राई किया जाएगा, और उसके बाद उसको सप्लाई किया जाता है मार्केट में। तो हमारा यहाँ ईटानगर में भी अरुणाचल प्रदेश में जो नाहरलगन में बहुत पाया जाता है पैकेट पैकेजिंग करके वहाँ मार्केट में, औरत लोग जो औरत लोग जो बिक्री किया जाता है, और उसका जो है कॉस्टली ज़्यादा है, खास करके जो ड्राई वाला जो है जिसको सुखाया जाएगा जो यूप बोलता है हमारा पास यूप जो है, उसका किलो जो कम से कम 1000 ऐसा कुछ जाता है 1000। तो उसको करने में शायद तकलीफ भी है, कठिन भी है, जंगल से आपको सबसे पहले कट के लाना है, और उसके बाद उस प्रकार से चॉपिंग किया जाता है, बनाया जाता है, तो बनाने में तकलीफ भी है, तो इसलिए शायद मार्केट में कॉस्टली है। तो हमारा यहाँ भी कुछ लोग, हम खुद भी, ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है, हम खाता जरूर है क्यों खाता जरूर है, यूप खाता जरूर है, लेकिन कभी देखा नहीं किस प्रकार से बनाया जाता है। तो ये है, तो गाइस मेरा ये ब्लॉग में आपको मैं दिखाने के लिए कोशिश किया हूँ यूप और क्यों कैसे बनाया जाता है, इच कैसे बनाया जाता है, बेम्बू सूट कैसे प्रिपेयर किया जाता है, तो मैंने यहाँ दिखाने के लिए कोशिश किया। अगर गाइस आपको अच्छा लगा, और आप भी इस वीडियो के माध्यम से देख के आप भी कभी अपना घर में या अपना इलाका में अपना बस्ती में बना सकता है, तो गाइस अगर मेरा ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और ख़ास करके जो नया है मेरा चैनल में प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पर।